सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइज, आप में से काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि यार डार्क नाइट का है, डार्क नाइट का है। तो भाई ये रही डार्क नाइट, मैंने इसको बेची नहीं है। आई नो कि लास्ट वीडियो जो इसमें आई थी उसमें थोड़ी मैंने बताया था इसमें कुछ इशूज़ आ रहे थे, तो काफ़ी लोगों ने सोच लिया था कि यार लगता है मैंने ये बेच दिया है। बट देख सकते हो डार्क नाइट इज़ फिट एंड फाइन। वैसे मैं कुछ दिनों से इसको राइड नहीं कर रहा था, उसके काफ़ी सारे रीजन्स थे जो मैं आपसे आगे इस वीडियो में शेयर करूँगा। एंड ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली राइड नहीं कर रहा था, कभी कभी सिटी में लेके निकल रहा था। पर ब्रेकफास्ट राइड वगैरह में अगर आप लास्ट कुछ व्लॉग्स फॉलो कर रहे हो तो हमारे साथ कुछ सुपर बाइक जा रही थी, तो उसके लिए मैं आरसी को निकाल रहा था क्योंकि ये जो है ये थोड़ा स्पीड में कोप अप नहीं कर पाती है। बट आज जो है गाइस देख सकते हो रास्तों की कंडीशन कैसे है, पूरी रात जो है बारिश हुई है। एंड जल्दबाजी में एक्चुअली आज मैंने व्लॉग घर से स्टार्ट नहीं किया, बट अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो आप देख सकते थे कि जो अपना जो लोकेलिटी है एंड जो मतलब हर जगह जो पानी जमा हुआ है। खैर अभी तो हम लोग हाईवे में चढ़ने वाले हैं, सो अभी हमें कोई पानी वानी नहीं मिलने वाला। बट सीन्स आर की सिटी में यार बहुत ही ख़राब कंडीशन है, पूरे घुटने का यहाँ तक पानी है। तो फिर भी वैसे कंडीशन में हम निकल पड़े हैं राइड में। एंड अभी इस वक्त सुबह के ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं, 6:52 इट इज़। एंड अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपने कुछ दोस्तों के लिए। एंड बाकी गाइस आप में से काफ़ी लोग मुझसे कमेंट में पूछते हो कि यार अभी जैसे दो नए हॉट टॉपिक्स मार्केट में है, ट्रायम्फ स्पीड 400 एंड आपकी जो हार्ले डेविडसन X440, तो इन दोनों के आने के वजह से क्या इसकी सेल में कुछ इफेक्ट पड़ेगी कि नहीं। सो इन चीज़ों के बारे में मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूँगा एंड मेरी क्या ओपिनियन है वो मैं आपसे शेयर करूँगा, बट अभी नहीं, राइड करते वक्त। बिकॉज ऐसे खड़े खड़े बात करना यार मुझे एकदम बिल्कुल पसंद नहीं, थोड़ा फेस में हवा लगता रहना चाहिए। एंड वेल मौसम अभी काफ़ी सुहाना हो रहा है, तो लेट्स स्टार्ट द राइड। एंड पता नहीं अपने भाई लोग कितने दूर है, सो अभी ना मैं सोच रहा हूँ कि डानकुनी टोल प्लाजा में जाके इनको वेट करते हैं, यहाँ पे यार खड़े रहने का कोई मतलब नहीं बनता। सो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं सीधा NH2 के तरफ, डानकुनी टोल प्लाजा में हम लोग भाई लोगों का वेट करेंगे। एंड यस यू हर्ड इट राइट, अभी कुछ दिनों से एक्चुअली NH6 में काफ़ी ज़्यादा राइड हो रहा था, यानी कि जो इस साइड वाला जो हाईवे है जो मुंबई देन चेन्नई उस सब साइड जाता है। एंड NH2 जो अपना जाता है दिल्ली के साइड, अपना जो नॉर्थर्न साइड में जो जितने भी स्टेट्स है, क्या है ना कि अभी इस हाईवे में इतना ज़्यादा राइड कर लिया ना, इसीलिए अपने जितने भी भाई लोग हैं सब काफ़ी बोर हो चुके हैं, मतलब एक ही रास्ते में जाके आके। हालांकि अभी कुछ रीजंस थे जिनके वजह से हम NH2 में राइड नहीं कर रहे थे, एंड वो भी आगे चल के आपको पता चलेगा। तो यार NH2 की कंडीशन एक्चुअली उतने अच्छे नहीं है। बाय द वे गाइस आज है 13 अगस्त एंड काफ़ी जल्द हम लोग 15 अगस्त का राइड भी करने वाले हैं। हालांकि अभी तक प्लान्स जो है कुछ भी मतलब फिक्स नहीं हुए हैं, कहाँ जाएंगे कहाँ राइड करेंगे कुछ मतलब श्योरिटी नहीं है। भाई ये लोग बैग वैग लेके आया, लगता है काफ़ी दूर से राइड कर रहे हैं, सही है। एंड बाकी गाइस अगर आप लोग कोलकाता या बंगाल के कहीं से भी हो तो आप लोगों को पता होगा ये जो अपना NH2 है या फिर आज़ाद हिंद है, ये यार 15 अगस्त में इमोशन है। बट अभी देख सकते हो NH2 का कंडीशन क्या है। चचा थोड़ा सा साइड हो जाओ, थैंक यू भाई। यहाँ पे रास्तों की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। एंड सामने एक्चुअली अभी मैं दिखाता हूँ क्या है कंडीशन, यहाँ पे देख सकते हो डाइवर्शन है, बिकॉज आधे से ज़्यादा हाईवे में मरम्मत चल रहा है। अपने पिछले किसी एक व्लॉग में मैंने बताया था कि यार NH2 की कंडीशन अभी उतने सही नहीं है, काफ़ी दिन पहले का था वो, शायद से अप्रैल के टाइम में था एक्चुअली। ऐसा ही कोई एक ब्रेकफास्ट राइड में हम लोग शक्तिगढ़ गए थे एंड मैंने आप लोगों को दिखाया था यार क्या ख़राब कंडीशन था NH2 का उस वक्त, जो धीरे धीरे ख़राब हो रहा था अभी देख सकते हो बिल्कुल ही ख़राब है। सो यहाँ पे इसीलिए अभी राइड उतना हो नहीं रहा, राइड कम हो रहा है, स्पेशली जो लोग सुपर बाइक्स वाले हैं उनको लिए तो मतलब ये अभी उतना सही हाईवे नहीं रहा। एंड काफ़ी सारे खड्डे वगैरह भी है, देख सकते हो यार कितनी भयंकर वाली जैम लगी है। 15 अगस्त का प्लान इस बार का कुछ मतलब ठीक नहीं है। बट गाइज आज का जो राइड है दैट इज़ अप टू आज़ाद हिंद। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7:03 और अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं डानकुनी टोल। सो यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा वेट करेंगे अपने भाइयों के लिए। एंड यार क्या हुआ यहाँ पे भी जैम है भाई साहब, यहाँ का कंडीशन देखो। तो गाइज ये रही अपनी डार्क नाइट एंड देख सकते हो यार क्या हालत है यहाँ के। भाई जिसका भी आइडिया था ना आज NH2 राइड करने का, वो आज मेरे हत्ते खून होने वाला है मज़ा कर रहा हूँ। बट यार व्हाट इज दिस मैन, भाई ऐसा कंडीशन रहा तो पूरा राइड का माँ बहन हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे थोड़ा देर वेट करते, चाय वाय पीते, देखते अगर ये क्लियर होता है तो अच्छी बात है थोड़ी देर में, वरना सी क्या कर सकते हैं। सो गाइज अभी ऑलमोस्ट 7:30 बज रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे रास्ते थोड़े क्लियर हो गए हैं एंड अपनी पूरी लाइनअप आ चुकी है आज की। खैर नाउ द थिंग इज की अपनी जो बाइक है उसकी स्पीड सबसे कम है यहाँ पे, तो अभी हम लोग थोड़ा धीरे धीरे निकलते हैं
भाई लोग कैचअप कर लेंगे आराम से। बाकी देख सकते हो पॉटहोल्स कितने भयंकर, बट क्या ही कर सकते हैं, अब जो है उसी को एक्सेप्ट करते हुए चलना पड़ेगा। कंडीशंस तो अपने फेवर में नहीं रहेंगे, हमें कंडीशंस के साथ अडॉप्ट करना सीखना चाहिए और क्या। बाकी गाइस कमिंग बैक टू द टॉपिक, एंड जैसे कि आप लोगों का सवाल था कि क्या रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का मार्केट ले पाएगी ट्रायम्फ की स्पीड 400 या फिर जो हाले की X440 है, यानी जो मार्केट में जो नई हॉट टॉपिक्स चल रही है अभी। तो देखो कुछ चीज़ें मैं आप लोग क्लियर कर देता हूँ। तो देखो जो रॉयल एनफील्ड की 350s है उनमें से दो 350s के साथ जो है इन बाइकों का कंपैरिजन किया जा रहा है, एंड कहा जा रहा है कि इन बाइकों का सेल इनके वजह से ड्रॉप हो सकता है। एंड काफ़ी लोगों ने यार हार्ले X440 देन ट्रायम्फ स्पीड 400 को ऑलरेडी रॉयल एनफील्ड किलर घोषित कर दिया है। सो लेट्स सी कि ये बात कितना सच है कितना नहीं। A few inches later. इधर क्या हो गया भाई? क्या कर रहे हो तुम? हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे, करोगे सिस्टम हमारे साथ? क्या हुआ? यहाँ पे थोड़ा रोड रेज हो गया था। स्कॉर्पियो वाले अंकल जा सके सुनने में आ रहे हैं सुपर बाइक को चाप दिया था, उसके वजह से थोड़ा हीटेड आर्गुमेंट चल रहा था यहाँ पे। एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो गाइस एक चीज़ मैं अपने सारे वीडियो में कहता आ रहा हूँ कि यार अपनी जो रॉयल एनफील्ड है ना, दे आर नोन फॉर द लॉन्ग स्ट्रोक नेचर, एंड जो लोग मोटरसाइकिलिंग में हो दे नो कि ये क्या चीज़ होता है। एंड लॉन्ग स्ट्रोक इंजन बेसिकली जो लोगों को नहीं मालूम बता दूँ कि जो इंजन का जो सिलेंडर होता है उसका जो आपका बोर होता है ना, यानी जो सिलेंडर का डायमीटर होता है उससे ज़्यादा लंबा आपका जो सिलेंडर का लेंथ होता है यानी जो स्ट्रोक, तो उससे क्या होता है ना ये सब बाइकों का नेचर कुछ ऐसा रहता है कि थोड़ा लो रेविंग होती है, लो रेविंग कैरेक्टरिस्टिक की होती है बिकॉज स्ट्रोक लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है। एंड ऑल्सो आपको लो एंड में अच्छा खासा पंच मिलता है। टॉप एंड हालांकि बिल्कुल फ्लैट है, देख सकते हो भाई लोग कितना बढ़िया खींचते हुए जा रहे हैं, एंड मैं कोपअप नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज इसकी टॉप एंड उतनी कुछ है नहीं। दिस इज बेसिकली जो लोग थोड़ा चिल राइड पसंद करते हैं उनके लिए एकदम परफेक्ट बाइक है। एक क्रूजिंग करते वक्त एक अलग सा फील आता है, वो जो है आपका ओवर स्क्वाड इंजन या फिर जो स्पोर्ट्स बाइक में जैसे शॉर्ट स्ट्रोक इंजन में आपको वो फील नहीं होता। तो उसके कारण मैंने काफ़ी सारे अपने वीडियोज़ में कहा भी था कि जो रॉयल एनफील्ड की जो सबसे क्लोजेस्ट कंपटीटर है अगर आप सेगमेंट वाइज देखोगे तो दैट इज़ द हार्ले डेविडसन X440 बिकॉज उसकी भी थोड़ी लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, लो एंड में थोड़ा टॉर्क ज़्यादा है, पावर भी अच्छी खासी है उससे तो ज़्यादा है एक्चुअली। एंड अगर मैं ट्रायम्फ की स्पीड 400 की बात करूँ तो वो भी आप लोगों को पता है फिट एंड फिनिश कितना बढ़िया किया है, थोड़ा रेट्रो टच में है, एंड बेसिकली रेट्रो लुक्स के वजह से जो इसको कंपेयर किया जा रहा है रॉयल एनफील्ड से। बट उसका इंजन का कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता दूँ पूरा ही अलग है गाइस। हालांकि उसकी भी आपको लो एंड अच्छी खासी मिलेगी, मिड रेंज लो एंड, बिकॉज उसका ना टॉर्क जो है टॉर्क बैंड जो है वो काफ़ी वाइडली स्प्रेड है, बट वो जो एक अलग सा फील आता है ना एक जो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन का वो आपको शायद उसमें ना मिले। तो अगर आप लोग को इस सबसे मतलब नहीं बनता लाइक क्या लॉन्ग स्ट्रोक क्या शॉर्ट स्ट्रोक, यार हमको तो गाड़ी चलाने से मतलब है, हमको गाड़ी पावरफुल फील होना चाहिए, तो ऑब्वियसली जो ट्रायम्फ स्पीड 400 है वो आपके लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन बन जाती है। बट जो रॉयल एनफील्ड के टिपिकल कस्टमर्स होते हैं ना उन लोगों को ये सबसे मतलब पड़ता है। तो रॉयल एनफील्ड के जो टिपिकल कस्टमर है वो जाएंगे अभी हार्ले डेविडसन की तरफ, क्योंकि यार हार्ले डेविडसन को ऐसा भी कहा जाता है कि जो रॉयल एनफील्ड बायर्स होते हैं उनका जो लॉन्ग टर्म का सपना है कि कभी एक हार्ले ओन करे। हालांकि वो V2 इंजन की बात करते हैं, बट अभी हाले ने एक सिंगल सिलेंडर इंजन मतलब जो रॉयल एनफील्ड का जो प्राइस सेगमेंट है उसी के आसपास लॉन्च कर दिया है, तो अभी काफ़ी लोगों का ऐसा शिफ्ट होने का प्लान बन सकता है। बट गाइस एक चीज़ मैं बता दूं कि रॉयल एनफील्ड के पास अभी भी कुछ अपर हैंड्स है, वो है इसकी जो अवेलेबिलिटी एंड सर्विस नेटवर्क। मैं अपने काफ़ी वीडियोस में रिपीट करता आया हूँ, एंड आई डोंट थिंक कि मुझे इसको रिपीट करने की ज़रूरत है। कोलकाता की बात करूँ तो हाले की अभी शायद से एक ही शोरूम है, कोई और है वो तो मुझे पता नहीं। एंड हम लोग वहाँ पे विजिट किए भी थे, हाले का जो X440 का लॉन्च इवेंट था उसका भी एक डिटेल्ड ब्लॉग है अपने चैनल पे, तो आप लोग वो ज़रूर से चेकआउट करो। बट द थिंग इज कि हाले का X440 का वो एक तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ट्रायम्फ का क्या है ना जैसे कि काफ़ी अफोर्डेबल एंड काफ़ी मतलब एग्रेसिवली उसको प्राइसिंग किया गया है। सीरियसली मैन इतना कुछ दे रहा है वो बाइक एंड वो भी इतने कम प्राइस में, दैट इज़ रिमार्केबल। एंड एक और चीज़ जो बजा जो ट्रायम्फ ने काफ़ी अच्छा किया वो है कि यार इसका जो नेटवर्क है ना उस पर काफ़ी अच्छा खासा काम किया है। जैसे कि अपने कोलकाता की मैंने बात की तो कोलकाता में अब तक एक ही आई थिंक ट्रायम्फ की शोरूम थी, कोई तोपसिया साइड में आई थिंक। बट अभी गाइस जैसे कि सुनने में आ रहा है ट्रायम्फ एंड बजाज का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, लाइक गाइस बजाज के अंडर ही अभी KTM आती है, तो आप लोगों को पता है यार KTM की अभी इस वक्त सर्विस नेटवर्क कितनी बड़ी है, तो वैसा ही कुछ आप लोगों को बहुत जल्द ट्रायम्फ की तरफ से भी देखने को मिलेगा। ट्रायम्फ की जो है Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में भी आप लोगों को सर्विस सेंटर मिलने वाली है, सर्विस सेंटर शोरूम्स वगैरह जो भी है, काफ़ी बड़ी अभी प्रोजेक्ट चल रही है। बट अभी वैसा कुछ सीन ना मतलब मुझे हार्ले डेविडसन का लग नहीं रहा। सो गाइस दैट्स व्हाई आई थिंक कि जो हार्ले डेविडसन की X440 है उसकी बेशक इंजन कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी सिमिलर है अपने क्लासिक 350 से, बट जो
प्राइसिंग है एंड जो नेटवर्क सर्विस नेटवर्क देन आपका जो शोरूम का नेटवर्क है वो सब जो थोड़ा मैटर करेगी एंड दैट विल प्ले द की रोल कि हार्ले डेविडसन अभी इस वक्त जो क्लासिक या फिर मीटियर 350 का जो मार्केट है वो नहीं ले पाएगी। एंड बाकी गाइस ऑल्सो एक और चीज़ आप लोगों को बता दूंगा कि इस वक्त वेटिंग काफ़ी बड़ा चल रहा है। लाइक ट्राइम की मैंने बताया कि अभी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है बट अभी इस वक्त वेटिंग जो एक एक साल का भी देखने को मिल रहा है। सो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो अभी फैक्टर बनेंगी इनिशियली। स्पेशली क्लासिक 350 की जो मार्केट है वो शायद से ये बाइकें जो है कैप्चर ना कर पाए। एंड क्लासिक मैंने स्पेशली कहा बिकॉज क्लासिक का एक अलग चार्म है, आप लोगों को पता है, इसकी जो लुक्स है वो काफ़ी लोगों का एक इमोशन है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। बाकी देखो बाइकें सारी अच्छी है एंड ये कुछ मेरे ओपिनियंस थे, आप लोगों का ओपिनियन ऑब्वियसली वैरी कर सकता है, अलग अलग बायर्स के अलग अलग पर्सपेक्टिव रहते हैं। सो आई एम नॉट जनरलाइजिंग एनीथिंग बट मैक्सिमम जो है मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। सो आई होप गाइस आप लोग को एक अच्छा खासा आइडिया लग चुका होगा। बाकी आप लोग NS2 के कंडीशन देख सकते हो अभी कैसे है इस वक्त एंड अभी ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं। 8 बजने में आई थिंक 6 मिनट बाकी है, 7:54 इट इज़, जैसा कि मेरा यहाँ पे टाइम बता रहा है। बाकी अपने जो भाई लोग सुपर बाइक्स में थे वो लोग अभी दिख भी नहीं रहे तो मैंने जो चेस करने की कोशिश की भी नहीं। आज ना मेरा ज़्यादा खींचने का मन नहीं कर रहा, सो ये भी एक रीज़न था कि मैं आज RC नहीं लाया। भैया डार्क नाइट को 80 में क्रूज करके जो मज़ा है ना भाई, ओए ओए ओए, अलग ही सुकून मिलता है यार। अभी वेदर इतना बेहतर हो रहा है, क्रूज करके इतना मज़ा आ रहा है तो क्यों भगाएं। बाकी गाइस बात करते करते हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं एंड ये सामने भारत पेट्रोल पंप, यहाँ पे अपने भाई लोग वेट कर रहे हैं अपने लिए, आई थिंक काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। सो गाइस ये अपनी आज की पूरी लाइनअप, एक अपनी क्लासिक 350 तो आपने काफ़ी बार देखा है, बेनेली अभिषेक भाई की, ये निंजा 1000 तो आप जानते ही हो एंड ये 390 भी अपने लास्ट संडे राइड वाले वीडियो में देखा था। बाकी कार्बन 5 और एक डोमिनार 400 आई थिंक ये ज्वाइन हुए हैं। सो फाइनली गाइस पहुंच चुका है आज़ाद हिंद ढाबा, काफ़ी दिनों बाद आया एक्चुअली, लेट्स सी अभी खाना पीना क्वालिटी कैसा है। सो गाइस ये देख सकते हो बल्बस और विकसित हो चुका है। क्या लग रहा है भाई, पूरा लप्पू सचिन का छोटा भाई। भाई सब लोग मेरा बाल लेके क्यों करते हैं? अगर वो हटा भी देगा ना तो भी एक ही लग रहा है, सेम लग रहा है। अभी भी ऊपर फ्लावर है, तब भी ऊपर फ्लावर था। इमोशनल टाइम है। कौनसा वाला दिया भाई? अच्छा भाई, अच्छा ही तो है भाई, क्या लग रहा है। वाओ क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। ए फोटो तो डीपी पे लगा दे, मतलब डीआर के पास। अबे डीआर बहुत अच्छी सुविधा है ना। So guys, बाकी अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है, पूरी सब्जी एंड दो अंडे का, क्या बोलते हैं इसको, सनी साइड अप। One eternity later. So guys, खाना पीना अपना ऑल डन है यहाँ पे एंड ये सामने एक डोमिनार देख सकते हो, इस पर हमने कुछ देर पहले बहुत बढ़िया कंटेंट शूट किया है एंड काफ़ी लोडेड बाइक है तो ये वाला कंटेंट आप ज़रूर से चेक करना, भाई ने काफ़ी खर्चा किया इस पर पीछे, सो डू चेकआउट दैट। पता नहीं कौन सा वीडियो पहले आ रहा है। बाकी अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं एंड निकलने से पहले थोड़ा सा होगा फोटोशूट। ये अपनी जो पूरी लाइनअप है देख सकते हो, 2 R15 एंड बेनली निंजा 1000, यहाँ पे RC 390 VS3, बाकी उधर एक डोमिनार आ रही है। ऑलराइट गाइस, तो खा पी के निकल रहे आज़ाद दिन से एंड अभी ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है कितना, 10:28, सो ऑलमोस्ट 10:30 बज रहे हैं एंड बाकी गाइस अपने सामने जो निंजा 1000 वाला भाई है उसको देख सकते हो, एक साइड में फ्रेम स्लाइडर है एक साइड में नहीं है। अभी कुछ देर पहले इसका बहुत गजब वाला सीन हो गया, भाई ने गाड़ी खड़े खड़े गिरा दी एंड गाइस ये रास्ते की कंडीशन देख सकते हो, इन्हीं के वजह से मैं बोल रहा था यार NS2 राइड यार अभी उतना सेफ नहीं है एंड यार सामने अभी आज़ादीन राइड आने वाला है, 15 अगस्त का राइड है तो मुझे नहीं पता यार यहाँ पे क्या सीन होने वाला है। आई थिंक बहुत कुछ ख़तरनाक होने वाला है, ख़तरनाक इन द सेंस मैं मतलब नेगेटिव वे में ही बता रहा हूँ। आई होप कि ऐसा किसी भाई के साथ ना हो बट मुझे पता है यार इतने दिन में राइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे कैसे कैसे टाइप के लोग आते हैं, मतलब 15 अगस्त के राइड में। सो गाइस इट्स 11:10 AM राइट नाउ एंड अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं धूलागढ़ टोल प्लाजा। सो गाइस क्रॉस कर चुके हैं धूलागढ़ टोल प्लाजा एंड अभी यहाँ पे थोड़ा चाय वाय पियेंगे देन घर चले जाएंगे, कुछ उतना है नहीं करने को, देख सकते हो एक बार आखिरी बार के लिए अपनी जो आज की लाइनअप है। बाकी आई थिंक लेट्स रैप अप। सो गाइस ये तक छोड़ा संडे राइड का वीडियो एंड यस मैंने वापस आते वक्त 2 बार गलती से डानकुनी को धूलागढ़ बोल दिया बिकॉज कुछ लास्ट संडेज हम लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता है NH6 में राइड करे तो वो जो धूलागढ़ देन NH6 ये सब जो मसल मेमोरी में बैठ गया है। एंड बाकी गाइस ये वीडियो मैं थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ बिकॉज आज है 14 अगस्त एंड मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो अब तक आ ही आए बिकॉज कुछ मैसेज थे जो आप लोगों को देने थे। आई नो कि काफ़ी मेरे भाई लोग हैं जो कल 15 अगस्त के राइड में निकलोगे NH2 देन आज़ादीन एंड आपने देख लिया कि यार हालत कैसे है रोड के, काफ़ी सारे पॉटहोल्स गड्ढे वड्ढे एंड देन काफ़ी जगह मरम्मत चल रही है, डाइवर्शंस काफ़ी ज़्यादा है।
तो हर साल जो होता है मैं नहीं चाहता इस बार हो, बट हालांकि हर साल से इस बार का कंडीशन और ज्यादा खराब है। रोड की कंडीशन आपने देख ली कैसे है। सो कहना तो नहीं चाहिए बट इस बार जो है चांसेस ज्यादा है हादसे होने का, एंड हर साल आप लोगों को पता है कितने हादसे होते हैं NH2 में। तो गाइस जितने भी मेरे भाई लोग की वीडियो देख रहे हो, नॉट जस्ट कोलकाता या वेस्ट बंगाल से, कहीं से भी, कल यार 15 अगस्त है एंड आप लोगों को पता है 15 अगस्त में कितने सारे हादसे होते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि इस बार ऐसा कुछ हो। हेलमेट्स तो मस्ट है एंड बाकी सेफ्टी गियर हो तो और अच्छी बात है, एंड विथ प्रॉपर सेफ्टी आप लोग कल राइड कीजिए, कोई रैश राइडिंग मत कीजिए एंड ड्रिंक करके गाड़ी तो बिल्कुल ही मत चलाओ कल। सो आई थिंक गाइस दैट्स इट, एंड यही था कुछ मैसेज जो आपको देने थे, बाकी आई थिंक टाइम टू रैप अप दिस वीडियो। सो गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब, बाकी इंस्टाग्राम नीचे आ रहा होगा फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो और ब्लॉग में, तब तक राइड एंड राइड सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम।